मोस्ट अंडररेटेड स्किन केयर टूल जिसके एक दफा ही इस्तेमाल से आप लोगों को वाजे फर्क नजर आएगा। पहले जी अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर या सिरम अच्छे तरीके से लगा लेना है ताकि आप लोग की स्किन प्रॉपर ग्लाइड करे। नेक की मसाज हमने 3 पोर्शंस में करनी है और 3-3 की रेशो रखनी है। सबसे पहले प्लेन साइड लेंगे, 3 टाइम्स ऊपर की तरफ हम मसाज करेंगे, फिर हम कर्व साइड लेंगे और ऊपर की तरफ मसाज करेंगे। मुंह की मसाज और गर्दन की मसाज दोनों ऊपर की तरफ होगी ताकि फाइन लाइन, रिंकल्स, पफिनेस सब खत्म हो। एक साइड से मैं मसाज कर रही हूँ। मुंह का हमने रेशो रखना है 5x5 का रेशो, 5-5 टाइम्स करेंगे। जो गोशा स्टोन इस्तेमाल कर रही हूँ, आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने ग्लो ब्यूटी से लिया था, बेहतरीन गोशा स्टोन है। मैंने और भी बड़ी जगह से ऑर्डर किया लेकिन इसकी क्वालिटी जबरदस्त है, आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं। यहाँ से लेना तो यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब दोनों फेस में आप लोग वाजे फर्क देखें। आंख और फोरहेड का मसाज करते हैं। गोशा स्टोन ने बहुत टाइम से इस्तेमाल किया, फेशियल फीचर्स तो एनहांस करता है लेकिन स्ट्रेस लेवल, आप लोग का सर दुख रहा हो उसको भी खत्म करता है और बेहतरीन बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। बेस्ट प्रोडक्ट है ये। मोस्ट अंडररेटेड स्किन केयर टूल जिसके एक दफा ही इस्तेमाल से आप लोगों को वाजे फर्क नजर आएगा। पहले जी अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर या सिरम अच्छे तरीके से लगा लेना है ताकि आप लोग की स्किन प्रॉपर ग्लाइड करे। नेक की मसाज हमने 3 पोर्शंस में करनी है और 3-3 की रेशो रखनी है। सबसे पहले प्लेन साइड लेंगे, 3 टाइम्स ऊपर की तरफ हम मसाज करेंगे, फिर हम कर्व साइड लेंगे और ऊपर की तरफ मसाज करेंगे। मुंह की मसाज और गर्दन की मसाज दोनों ऊपर की तरफ होगी ताकि फाइन लाइन, रिंकल्स, पफिनेस सब खत्म हो। एक साइड से मैं मसाज कर रही हूँ। मुंह का हमने रेशो रखना है 5x5 का रेशो, 5-5 टाइम्स करेंगे। जो गोशा स्टोन इस्तेमाल कर रही हूँ, आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने ग्लो ब्यूटी से लिया था, बेहतरीन गोशा स्टोन है। मैंने और भी बड़ी जगह से ऑर्डर किया लेकिन इसकी क्वालिटी जबरदस्त है, आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं। यहाँ से लेना तो यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब दोनों फेस में आप लोग वाजे फर्क देखें। आंख और फोरहेड का मसाज करते हैं। गोशा स्टोन ने बहुत टाइम से इस्तेमाल किया, फेशियल फीचर्स तो एनहांस करता है लेकिन स्ट्रेस लेवल, आप लोग का सर दुख रहा हो उसको भी खत्म करता है और बेहतरीन बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। बेस्ट प्रोडक्ट है ये। स्क्रीनशॉट कभी कभी आप लोग के फंस भी जाते हैं, जिस तरह मेरी मम्मा के फंस जाते होते हैं, उनसे स्क्रीनशॉट ही नहीं लिया जाता। एक अंडा लेना है, उसका हमने येलो पार्ट अलग कर देना है, व्हाइट पार्ट अलग कर देना है। येलो पार्ट इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ हम व्हाइट पार्ट इस्तेमाल करेंगे। इस मास्क में कोई स्मेल नहीं है, कोई ये बहाना नहीं मार सकता कि शैम्पू करने से भी स्मेल नहीं है, क्योंकि येलो पार्ट हमने इस्तेमाल ही नहीं करना। ठीक है, मुश्किल काम करना ही नहीं, काम करने ही हमने सारे आसान है। येलो व्हाइट पार्ट को हमने एक बोल में शिफ्ट कर दिया, बड़े बोल में इसलिए शिफ्ट किया इसको मिक्स करेंगे, छोटे अगर बोल में करते तो वो गिरने का खतरा हो जाता है। इसको अच्छी तरह फेंट देंगे, इतना फेंटेंगे कि ये झाग झाग सा इस तरह ये बन जाए और कांटे से आसानी से फेंटा जाता है। 1 मिनट मेरा ख्याल लगता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे तेल, डालना शुरू करेंगे। हमने 3 टेबल स्पून भर भर के सरसों का तेल शामिल कर दिया। हमने तेल की और एलोवेरा जेल की क्वांटिटी सेम रखनी है, 5-5-5, 4-4-4, 3-3-3, 1-1-1, मतलब जितनी क्वांटिटी में तेल ऐड करेंगे उतनी ही क्वांटिटी में एलोवेरा जेल। उसके बाद हम लोगों ने खालिस बादाम का तेल 3 टेबलस्पून डाल दिया, 3 टेबलस्पून सरसों का तेल, 3 टेबलस्पून भर के बादाम का तेल और 3 टेबलस्पून ही एलोवेरा जेल। क्वांटिटी सेम रखनी है, इस बात का बस आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसके अंदर 3 टेबलस्पून भर भर के एलोवेरा जेल के शामिल कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग के शोल्डर से थोड़े से नीचे बाल हैं मास्क काफी होगा, अगर बड़े बाल हैं तो आप सब चीजों की क्वांटिटी 5 कर दें। 5 टेबलस्पून सरसों का तेल, 5 टेबलस्पून आलमंड ऑयल, 5 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, अपने बालों के हिसाब से बना दें, क्वांटिटी सेम रखें। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी हो जानी चाहिए। एलोवेरा जेल अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जानी चाहिए और सारी कंसिस्टेंसी क्रीमी क्रीमी से हो जानी चाहिए। इसको मिक्स करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। ये मास्क रेडी हो गया है। अब मैं आप लोग को इसको लगाने का तरीका बताती हूँ। सबसे जरूरी और इम्पॉर्टेंट बात, हमने हेयर ब्रश करना है। कोई भी मास्क अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह सारी गुंजले वगैरह निकाल लेनी है, अटके ना पड़ी हो, और हेयर मास्क अप्लाई शुरू करना है क्योंकि इसके अंदर ऑयल्स वगैरह हैं, सब कुछ है। हमने स्काल्प पे मसाज करना बहुत जरूरी है। स्काल्प पे हम हल्के हल्के हाथों के साथ, फिंगर टिप्स के साथ मसाज करेंगे। बहुत हम लोगों ने जोर जोर से नहीं करनी, फिंगर टिप्स के साथ मसाज करेंगे, ऊपर अच्छी तरह लगाएंगे। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी, जब मैं आधे बालों में लगा लेती हूँ स्काल्प से थोड़ा सा नीचे तक, जो सबसे नीचे बाल है ना, जो हेयर डाई करवा के खराब हो जाते हैं और हेयर डाई भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाता है तो ऊपर के बाल हेल्दी होते हैं, नीचे के बाल फ्रिजीनेस हो जाते हैं। तो मैं आधे सर पे लगाना, एक बार नीचे वाले बालों पे जब मास्क लगाने की बारी आती है, 1 टेबलस्पून हल्का सा कोई भी कंडीशनर एड करके नीचे नीचे लगा देती हूँ। उससे क्या होता है, जो नीचे की फ्रिजीनेस होती है ना वो कंट्रोल हो जाती है और डबल रिजल्ट मिलता है मुझे। अगर आप लोग चाहते हैं करना तो आप लोग कर सकते हैं और आप लोग को मजीद बेनिफिट इससे मिल जाएगा। और ये देखें इन बालों पे, ये जो हमने ट्विस्ट किया हुआ है इस पे मैं 1 टेबलस्पून हल्का सा कंडीशनर ऐड करके सारा अप्लाई कर देती हूँ और इस तरह ट्विस्ट करके दोबारा मेक श्योर करती हूँ कि हर बाल पे ऑयल अच्छी तरह लग जाए, कोई भी बाल सूखा ना। फिर हमने पोनी कर लेनी है, उसके बाद हमने एलोवेरा जेल लेनी है हाथ पे, तकरीबन 3 टेबलस्पून लग जाते हैं एलोवेरा जेल के हाथ पे लिए, और अच्छी तरह सर पे भी लगा लेनी है और पोनी टेल पे भी लगा लेना है। ये देखें,
इस मास्क को तकरीबन हमने 3 घंटे रखना है मैक्सिमम। अगर आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं है तो 1 घंटा तो आप लोगों ने मस्ट रखना है। 3 घंटे के बाद शैम्पू करना है, कंडीशनर करना है और अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से बालों को ड्राई कर लेना है ताकि फ्रिजनेस कंट्रोल हो सके। डाइट में आप लोग अंडा खाएं, दूध पिएं, दही खाएं, उसके बाद ठंडे पानी से सर धोएं, कोशिश करें गर्म पानी ज्यादा इस्तेमाल ना किया करें और खुश रहा करें, अपना ख्याल रखा करें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें। ये सब छोटी छोटी बातें होती है जो हम लोग इग्नोर कर देते होते हैं, लेकिन इससे भी